हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले सफेद छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने रात को 2.5 कटोरी छोले भिगोकर रख दिए थे। सुबह इन छोलों में मैंने 4.5 कटोरी पानी लेकर उसमें नमक, हींग और अजवाइन डालकर 40-45 मिनट तक उबाल लिया है। बारीक कटा हुआ अदरक 2 इंच, जीरा और साबुत धनिया 1-1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गार्निशिंग के लिए कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नींबू का रस और सौंठ। पैन में तेल गरम करना है, फिर उसमें जीरा और साबुत धनिया डाल देते हैं। अब कटी हुई अदरक और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सूखा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, फिर गरम मसाला, अब नमक मिला देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम से उतार देते हैं और छोले वाला कुकर फ्लेम पर रख देते हैं और फ्लेम हाई पे कर देते हैं। अब छोलों में तैयार किया हुआ मसाला भी डाल देते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। छोले थोड़े गाढ़े होने देते हैं। हमारे छोले तैयार हो चुके हैं, अभी हम प्लेट में डालते हैं। अब हम इसे गार्निश कर देते हैं और प्याज डाल देते हैं। फिर टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर और सूखा धनिया। नींबू का रस, और अब मीठी सौंठ मिला देते हैं। देखिए, हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।